अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर सियासी संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश के सत्तारूढ़ दल पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने गुरुवार रात मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चोवना मेन समेत 5 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। सस्पेंड होने वाले विधायकों में जेबी ताशी, सीटी मेन, पीडी सोना, जिंगनू नामचोम और कामलुंग मोसांग शामिल हैं। वहीं तकाम पारियो को विधायक दल का नेता चुना गया है। पीपीए के अध्यक्ष कायफा बोंगिया ने एक आदेश में कहा कि पार्टी संविधान और 20 दिसंबर को कार्यकारी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत विधायकों को अस्थायी तौर पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन के साथ ही मुख्यमंत्री पेमा खांडू अब पीपीए विधायक दल के नेता नहीं रहे। पार्टी अध्यक्ष ने विधायकों और पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खांडू की तरफ से बुलाई गई किसी बैठक में शामिल ना हों। वहीं तमाम सियासी उठक पटक के बीच अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पादी रिचो ने पार्टी सदस्यों से राज्य में मध्यावधि चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा है। आपको बता दें कि पेमा खांडू 16 जुलाई को मुख्यमंत्री बने थे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद नवाम तुकी को हटाकर पेमा खांडू को मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजनीति में कब क्या हो इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है और ऐसा ही कुछ अरुणाचल प्रदेश में हुआ। वैसे इस साल अरुणाचल प्रदेश की सियासत काफी उठापटक भरी रही। बगावत, सुप्रीम कोर्ट, मौत, विलय और फिर राजनीति, इन तमाम उतार चढ़ावों से सरकार बनी, बिगड़ी और फिर बनी। अब सियासत के इस खेल में और कितने पड़ाव आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।